महादेव दोस्तों, और क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है कि बस ऐसे ही टाइम कट रहा है। दोस्तों आज का वीडियो मैंने उन लोग के लिए बनाया जिन लोग को इंग्लिश की ई भी नहीं आती, और फ्रेंड्स या फिर उन्हें आती भी है तो बस यस और नो, यहीं तक उनकी इंग्लिश सीमित रहती है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो उन लोग के लिए बनाया हूँ कि वो लोग अगर चाहते हैं इंडिया के बाहर घूमना, तो वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे जाऊँगा बाहर, कैसे किसी से बात करूँगा, कैसे घूमूंगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो उन लोग के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और इस चैनल पे अगर आप नए आ रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें। तो आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जिन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है क्या वो थाईलैंड जा सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, 110% इसका जवाब है हाँ। आप बिल्कुल आप बिंदास थाईलैंड जा सकते हैं और जाके घूम सकते हैं, काफ़ी सारी मस्ती भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, आप किसी भी सिटी से अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो ये तो कंफर्म है कि आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होगा ही होगा। और फ्रेंड्स जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो लोग कुछ ये सोचते हैं कि अगर मैं एयरपोर्ट पर जाऊँगा तो जो इमिग्रेशन होगा उसमें जो ऑफिसर रहेगा वो मुझसे इंग्लिश में अगर सवाल पूछेगा तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका इमिग्रेशन इंडिया में ही हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर रहेंगे वो अपने इंडियंस ही रहेंगे, और वो लोग ये बखूबी जानते हैं कि जितने भी इंडियंस रहते हैं उन सबको इंग्लिश बोलना प्रॉपर नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे इंडियंस इंग्लिश प्रॉपरली बोल सकते हैं, तो वो लोग मोस्टली इंडियन से हिंदी में ही बात करते हैं और आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसका मतलब जब भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो हिंदी में पूछेंगे। अगर वो इंग्लिश में पूछते भी हैं तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे सवाल हिंदी में पूछें। तो क्या रहेगा, अगर वो आपसे सवाल हिंदी में पूछेंगे तो आप एक कम्फर्टेबल होकर आराम से उस सवाल का जवाब दे पाएंगे और आपका इमिग्रेशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि अब हमारा इंडिया का इंग्लिश वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब हम आते हैं आगे थाईलैंड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितना प्रॉपर इंग्लिश हमारे इंडिया में लोग बोल लेते हैं उतना प्रॉपर इंग्लिश लोग थाईलैंड में नहीं बोल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि थाईलैंड वालों को इंग्लिश काफ़ी कम आती है, अगर आप वहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं तो लोग आपसे कटने लगेंगे, साइड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप जब भी थाईलैंड जाते हैं और अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस आपका अगर होता है तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं वो आपसे सिर्फ काम काम की बातें करेंगे, आपका रिटर्न टिकट, आपका पासपोर्ट ये सब लेंगे और अपने सर्वर में आप चेक करेंगे और उसके बाद वो आपको लौटा देंगे। और आपसे अगर कोई भी सवाल वो इंग्लिश में पूछते भी हैं तो एकदम मामूली सा छोटा मोटा सवाल पूछेंगे जिसका आंसर आप बड़े ही आसानी के साथ दे देंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप थाईलैंड जाके बिंदास घूम सकते हैं। थाईलैंड वालों को भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, वो भी एकदम टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, बिल्कुल भी परेशान ना, बिंदास जाए बिंदास घूमें, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों वैसे अगर आम तौर पर देखा जाए तो इमिग्रेशन ऑफिसर ज़्यादा किसी से सवाल पूछते नहीं है, पर हाँ अगर 100 में से वो 2 लोग से सवाल पूछते हैं जिन्हें उन पर डाउट हो जाता है उनसे वो सवाल पूछते हैं। और फ्रेंड्स वो सवाल भी क्या पूछते हैं जिन्हें उन पर डाउट होता है, जैसे कि डाउट अगर हो गया उन्हें, जैसे कि जो बंदे को पकड़े शायद हो सकता है कि उसके पास होटल का प्रॉपर एड्रेस ना हो, या फिर वो जो अपने दोस्त संगी मित्र से अगर उनके घर रहने जा रहा हो तो प्रॉपर एड्रेस उसका वो उसमें फॉर्म में ना लिखा हो, तो इस टाइप का अगर डाउट रहते तो वो उन लोग को पकड़ लेते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। तो उसमें डरने की बात नहीं, अगर वो आपको पकड़ते हैं तो आप सीधे प्रॉपर बिंदास एड्रेस बताइए, ये मेरे होटल का एड्रेस है या मेरे ये मित्र दोस्त का एड्रेस है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास घूमिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और वैसे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम इंग्लिश अगर किसी को आए ना आए हम इससे ये डिफाई नहीं कर सकते कि उसके पास नॉलेज है या नहीं है। तो डोंट वरी, आप बिंदास घूमिए, बिंदास मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे एक लाइक कर दें, और इस चैनल पर अगर आप नए आए थे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें ताकि आपको हमारी एकदम न्यू वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स महादेव।